तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम देखने वाले हैं कि गाड़ी की पीडीआई कैसे करते हैं। जैसे मेरे चैनल पे पहले भी पब्लिश्ड है कि बाइक की पीडीआई कैसे होती है, तो सेम एज इट इज़ मैं आज बताने वाला हूँ कि गाड़ी हर कोई लेता है, बट पीडीआई एक ऐसी चीज़ है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो हर कोई भूल जाता है। तो सीधा स्टॉक यार्ड से कार आई है इस टाइम पर और पहले वॉश होती है प्रॉपर कार, क्योंकि पीडीआई से पहले आपको पूरी कार जो होती है वो डस्ट में प्रॉपर कवर होती है, तो उसको प्रॉपर वॉश करवाना पड़ता है। तो एक बार प्रॉपर कार क्लीन हो जाने देते हैं अंदर से और बाहर से, और उसके बाद इसके अंदर चढ़ जाने देते हैं एलिवेटेड उस पर, और उसके बाद शोरूम में अंदर कार को आ जाने देते हैं। उसके बाद सीधा इसकी पीडीआई स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। पीडीआई एक मेन एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी नई गाड़ी लेते हुए। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो है पीडीआई। पीडीआई क्या होता है, मैंने वॉशिंग आपको दिखाई दी थी जब रात को स्टॉक यार्ड से आई थी कार, तो अब इस टाइम पे शोरूम पे ऊपर आ चुकी है कार, पूरी क्लीन हो चुकी है, फाइनल क्लीनिंग बची है इसकी, बट हाँ इतनी क्लीनिंग जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो हट चुके हैं। तो आप पीडीआई ज़रूर से कर सकता हूँ मैं इस टाइम पे। मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आज जो मेजरली आपको पीडीआई में चेकआउट करने होते हैं। पीडीआई होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब आप अपनी नई गाड़ी लेते हैं या नई बाइक लेते हैं, डजेंट मैटर व्हाट द प्राइस इज़ कार का या बाइक का, बट पीडीआई एक बहुत रेलेवेंट चीज़ है। एक चेकअप होता है कि आपकी जो गाड़ी है या जो बाइक है उस पर कोई मेजर स्क्रैचेस तो नहीं है, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, और क्योंकि देखो स्क्रैचेस तो हर किसी को पता रहता है कि हमें स्क्रैचेस चेक करने हैं, हमने कर लिए, बट उसके अलावा भी बहुत मेजर पॉइंट्स हो जाते हैं जो चेक करने चाहिए पीडीआई के अंदर, जो लोग भूल जाते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे मेजरली हमें आउटर बॉडी शेल चेक करना होता है कार का, जो भी आउटर बॉडी पेंट है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। मेजरली हमें चेक करना होता है कि हुड, फेंडर, बंपर, साइड डोर्स, इसमें मेजरली स्क्रैचेस आते हैं, क्योंकि गाड़ी जब स्टॉक यार्ड से शोरूम आ रही होती है तो इन्हीं में स्क्रैचेस लग जाते हैं। अगर हम फ्रंट में देखे जाके हुड पे, तो कोई भी आपको इसके अंदर स्क्रैचेस मेरे को अभी तक विजिबल नहीं हुए, तब मतलब मेरी चेकलिस्ट है, ये जो हुड है बोनट है इसका वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई भी इसके अंदर मेरे को स्क्रैचेस नहीं मिलते। हेडलाइट के जो आपके जिसके अंदर बाहर का आउटर कवरिंग है उसको भी एक बार आपको थॉरली चेक करना होता है, कि समवेयर कभी कभी इस पर भी आगे पीछे करने में स्टॉक यार्ड पे इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो दोनों हेडलाइट्स आपको चेकआउट करनी है ज़रूर से कि इन पर कोई विजिबल स्क्रैच तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ये होती हैं कि लोग चेक ही नहीं करते, सिर्फ बॉडी पेंट चेकआउट कर लेते हैं कि स्क्रैच तो नहीं है, बस वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के साथ बाद में प्रॉब्लम होती है कि वो जब गाड़ी घर ले आते हैं और ध्यान से नोटिस करते हैं, कोई और नोटिस करता है कि देख ये तो हेडलाइट पे ज़रा सा ग्लास पे स्क्रैच है, तो वो चीज़ बाद में बहुत अजीब सी लगती है कि यार पहले क्यों नहीं चेक किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, हमने आपको हेडलाइट बता दिया, सेम एज इट इज़ एक बार बैकलाइट भी चेक करते हैं कार की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एसेंशियल हैं चेक करना कि इन पर कोई विजिबल स्क्रैच तो नहीं है। तो जैसे अगर मैं देख रहा हूँ तो कोई भी इसके अंदर ना राइट ना लेफ्ट दोनों साइड ही कोई भी स्क्रैच मेरे को विजिबल नहीं दिखा, तो इसलिए ये जो चीज़ है वो चेकलिस्ट में पास हो जाती है कि कोई भी इसके अंदर मेरे को स्क्रैचेस नहीं मिलता। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो फ्रंट बम्पर और रेयर की बम्पर के साथ साथ साइड के जो डोर पैनल्स हैं और फेंडर लाइन है वो सब कुछ, कि उस पर कोई विजिबल आपको स्क्रैच तो नहीं दिख रहा। जैसे इसके अंदर अभी कुछ डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी जस्ट क्लीन होगा, बट इसके अंदर विजिबल स्क्रैचेस नहीं है। नीचे भी जो सिल्वर कलर की इसके अंदर स्किड प्लेट है उसके अंदर भी मेरे कोई स्क्रैचेस नहीं देगा। तो बिल्कुल कार क्लीन चिट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेमेंट पूरी कर रहे हो कार की तो फिर आपको कार भी पूरी क्लीन चिट मिलनी चाहिए कि उस पर कोई स्क्रैचेस ना हो, एटलीस्ट जब तक। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो जस्ट ये एक डस्ट पार्टिकल है जो हट गया। ये डस्ट पार्टिकल्स को अभी थोड़े बहुत गाड़ी पकड़ ही लेती है, क्योंकि रात को धुली है, अब दोबारा ये ढंग से वॉश होगी, क्लीन होगी, इसमें पॉलिशिंग होगी, तब डिलीवर होगी। बट ये विजिबल स्क्रैचेस आपको तभी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर दिक्कत होने वाली बात होती है। जैसे फेंडर लाइन में भी मुझे कोई स्क्रैचेस नहीं देखा, साइड के जो डोर पैनल्स हैं उनमें मेरे को कोई विजिबल स्क्रैच नहीं देखा, क्योंकि जब स्टॉक यार्ड से कार आ रही होती है तो डर रहता है कि जो डोर पैड है, साइड का डोर पैनल्स हैं, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, दोनों साइड, तो वहाँ पे स्क्रैचेस लगने का डर रहता है। यहाँ रेयर बम्पर के अंदर यहाँ कहीं स्क्रैचेस लगने का बहुत बड़ा डर रहता है। जैसे अगर आप ये देखें तो ये एक स्क्रैच नहीं है, ये स्टॉक यार्ड का निशान है जो मैंने हटा दिया। ये प्लांट से आता है ये निशान कि ये गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल बम्पर ही लगाए कुछ, वो नोट आपको मैं आगे भी बताऊंगा वो निशान कौन से होते हैं, जो स्टॉक प्लांट से बन के आते हैं, क्योंकि वो हटाए नहीं जाते, एकदम से हटते भी नहीं हैं। अगर आप देखें तो हर जगह लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बम्पर इसका चेंज नहीं करा गया है। ये भी हो सकता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ हो गाड़ी का और बम्पर आपको चेंज करके दे दिया हो। तो ये जो ब्लू कलर के निशान होते हैं ये इसका इंडिकेशन देते हैं कि ये सारा कुछ काम प्लांट से हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो साइड की पूरी फेंडर लाइन मैंने चेकआउट कर ली, जो डोर हैंडल्स हैं उसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं दिख रहा मेरे को,
पूरी क्लीन चिट मेरे को इस टाइम पे कार दिखी साइड पैनल से। तो जो मतलब मेजर एक पॉइंट था कि सारा जो बॉडी शेल है वो बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए, जो यूजुअली लोग चेकआउट करते हैं वो हमने चेक कर लिया है, गाड़ी उसमें पास हो चुकी है। एक बार हमें रूफ़ भी चेक कर लेनी चाहिए कि अगर ऊपर कोई मेजरली स्क्रैचेस तो नहीं दिख रहा, कोई मेजर स्क्रैच ऊपर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि आप जब घर ले जाते हैं गाड़ी तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, फिर तो सब कुछ सर्विस सेंटर में होता है। जब तक गाड़ी शोरूम में है तब तक सारी चीज़ें मानी जाएंगी, सुनी जाएंगी आपकी। तो ये चीज़ हो गई, आपने बॉडी शेल पूरा चेक कर लिया गाड़ी का, कोई भी इसके अंदर हमें डिफेक्ट या फिर स्क्रैच नहीं मिला। सेकेंडरी जो चीज़ होती है वो लोग भूल जाते हैं बिल्कुल भी, क्या आप अपना टायर नहीं चेक करते, क्या वो प्लांट से आया है या नहीं, या वो चेंज कर दिया गया है। तो उसका भी एक मैं इंडिकेशन आपको देता हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसके अंदर कुछ येलो डॉट्स, ब्लू डॉट और रेड डॉट लगी हुई हैं। ये इसका प्रूफ है कि ये जो टायर है ये कंपनी से आया है, प्लांट से आया है, सीधा प्लांट से लग के स्टॉक यार्ड में गाड़ी आई और उसके बाद सीधा शोरूम पे आ गई, टायर चेंज नहीं हुआ, व्हील्स जो उसका स्टील व्हील है वो चेंज नहीं हुआ। क्योंकि ये जो ब्लू मार्किंग आप इसके अंदर देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है प्लांट के अंदर तो उसके ऊपर उसी टाइम लगाए जाते हैं। तो सारे टायर्स में आपको ये सारे के सारे निशान दिखेंगे, किसी भी टायर में येलो डॉट नहीं हो, रेड डॉट ना हो, ब्लू डॉट ना हो, तो आप ज़रूर से उसको चेंज बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो डॉट्स के निशान हैं वो एक वीक से पहले नहीं जाते, तो वो भी तब जाएंगे जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग उसकी हो जाए, क्लीनिंग हो रही है, डीप क्लीनिंग, तो चारों के चारों टायर्स पे ये प्रॉपर निशान आपको दिख जाएंगे। ये मार्किंग होती है, ये प्रूफ होता है कि जो कार है वो प्रॉपर स्टॉक यार्ड से आई है और स्टॉक यार्ड से प्लांट से आई है बनके, इसके टायर्स जो हैं और वो चेंज नहीं हुए हैं। एज इट इज़ आपको कंपनी जो प्लांट में लगा के टायर दे रही है वही टायर आपको एज इट इज़ आपको डिलीवरी के टाइम पे मिल रहे हैं। तो बाहर से मेजरली यही सारी चीज़ें होती हैं चेक करने की। और इसके साथ साथ बाहर से जो नेक्स्ट मेजर स्टेप है इसके अंदर कि जो चेक करना चाहिए वो होते हैं इसके हेडलैम्प, इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ें हैं बाहर की वो चेक करना ज़रूरी है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे मेरी गाड़ी बेस मॉडल है, जैसे आपको पता है, डिलीवरी आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो डिलीवरी ब्लॉग एक बार जाके देखें, प्रॉपर ये बेस मॉडल है, इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं आती, बट जो भी रेलेवेंट चीज़ें इसके अंदर ऑफ़र करी गई हैं मारुति की तरफ से वो हमें ज़रूर से चेक करना है। तो एक बार चलते हैं अंदर इंटीरियर में और एक बार हेडलाइट और बैकलाइट चेक करते हैं, और साथ ही साथ जो इसके इंडिकेटर्स हैं हज़ार्ड स्विच वो भी चेक करते हैं कि क्या प्रॉपरली चारों इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप देखें तो इसके दोनों जो हेडलैम्प्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, और साथ ही साथ जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कोई भी इसके अंदर मान फंक्शनिंग नहीं है। साथ ही साथ जो फेंडर पे इंडिकेटर है वो भी इसके अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है, दोनों साइड अगर आप देखें तो कोई भी इसके अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जो नेक्स्ट एक सब स्टेप दिखता है उसके अंदर होता है कि क्या आपका जो ब्रेक का जो इसका ब्रेक लाइट है और जो इंडिकेटर्स हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बैक गियर है उसकी जो लाइट्स हैं वो क्या प्रॉपरली जल रही हैं या नहीं। तो एक बार बैक गियर भी लगा के देखते हैं और चेक करते हैं क्या कि प्रॉपर इसकी जो बैक गियर की लाइट है, जो रिवर्स लैम्प है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, साथ ही साथ पार्किंग लाइट भी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो ये जो बाहर से चीज़ें चेक करने वाली होती हैं उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवर्स गियर लगा के देखते हैं कि क्या दोनों लैम्प्स वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो दोनों के दोनों इसके रिवर्स लैम्प प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो इसकी ये इंडिकेशन है कि कार बिल्कुल ओके टच कंडीशन में है, रेडी टू डिलीवर व्हीकल है। ये सारी चीज़ें पीडीआई चेक करना ज़रूरी है बाहर से, जब आप गाड़ी शोरूम से ले रहे हैं तो बाहर आउटर शेल में ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। इसके बाद चेकआउट करते हैं इंटीरियर कि इंटीरियर में हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले आपको डोर पैड चेक करना है कि आपके डोर पैड में कोई विजिबल स्क्रैचेस तो नहीं है। सेम एज इट इज़ इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं एक्सटीरियर तो चेक कर लेते हैं बट इंटीरियर चेक करना भूल जाते हैं। तो इंटीरियर में भी प्रॉपर चेक करना है कि पावर विंडो के आसपास कोई विजिबल स्क्रैचेस तो नहीं है, डोर पैड पे कोई विजिबल स्क्रैचेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से चेक करनी है। साथ ही साथ सेम एज इट इज़ डैशबोर्ड पे भी प्रॉपर चेकअप करना है, वो मैं अंदर से एक बार बैठ के देखते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या इसके जो प्रॉपर डैशबोर्ड है, इंटीरियर है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ एक्यूरेट सही हैं। तो इंटीरियर में हम बैठ चुके हैं, इस टाइम पे सेम एज इट इज़ हमें डैशबोर्ड चेक करना है एक बार थोरली कि कोई इसके अंदर विजिबल स्क्रैचेस तो नहीं है। मेरा बेस मॉडल है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें नहीं है, बट एटलीस्ट हमें स्क्रैचेस ज़रूर से चेक करने हैं कि क्या सारे डोर पैड्स में बिल्कुल जो कोई स्क्रैचेस तो हमें विजिबल नहीं दिख रहा। साथ ही साथ जो इसके
सेंटर कंसोल है उसके अंदर जो जैसे इसके अंदर इग्निस के बेस मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको इंटीरियर स्टाइलिंग किट्स ही दे रखी है, ऑफर कर रखी है, तो उसके ऊपर तो कोई विजिबल स्क्रैच नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ हमें कीज़ भी चेक करनी है कि जो हमारे को की मिल रही है कंपनी की तरफ से वो क्या प्रॉपर विजिबल सही है, मतलब दोनों कीज़ आपको मिल रही हैं और कोई इसके अंदर ये तो नहीं है कि भाई की में कोई डैमेज हो, तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप बन जाता है वो है कि इसका जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो ज़रूर से एक बार चेक करना है आपको। जैसे मेरा तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो कोई डिजिटल इसमें चीज़ नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी क्या वार्निंग लाइट्स कुछ एज इट इज़ तो नहीं आ रही कि जो हटे ना, जो नॉर्मल जेन्युइन वार्निंग लाइट्स आनी चाहिए वही इसके अंदर है, तो वो सारा मैंने चेक कर लिया। साथ ही साथ आपको एक जो मेजर चीज़ है वो चेक करने वाली वो है इसके अंदर कि कितना गाड़ी चली हुई है। जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे 56 किलोमीटर चली हुई है, इसका रीज़न मैंने पूछ लिया इनसे क्योंकि कापासीरा बॉर्डर से आती हैं कार दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो हैवी लोडेड ट्रक्स हैं जिसके अंदर कार लोड होकर आती हैं वो अलाउड नहीं है, इसकी वजह से गाड़ी की जो किलोमीटर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं दिल्ली में आते आते, तो 50-55 ये चल जाती है और 1-2 किलोमीटर ये जब तक डिलीवरी होती है आगे पीछे करना पड़ता है नीचे बेसमेंट में तो वो चल जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना। एक बार आपको एसी फैंस भी प्रॉपर देख लेना है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, हर एक मोड, नीचे पैरों वाला, फ्रंट का और सिर्फ पैरों वाला, जो भी इसके डिफॉगर वाले मोड्स हैं सारा एज इट इज़ चेक कर लेना एक बार कि वो सब कुछ वर्किंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, क्या वो हीटिंग और कूलिंग प्रॉपरली कर रहा है, एसी का जो बटन है वो क्या प्रॉपरली इंडिकेशन कर रहा है लाइट के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली चेक कर लेनी है। एक बार 12 वोल्ट का सॉकेट भी एक बार खोल के चेक कर लेना, बाकी आप डिलीवरी के टाइम पे चेक भी कर सकते हैं, और डैशबोर्ड में भी चेक कर लेना है कि डैशबोर्ड में तो कोई विजिबल स्क्रैचेस आपको नहीं दिख रहे। तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं जब आप अपनी नई गाड़ी ले रहे हैं। सीट कवर, सीट अपॉल्स्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे सीट कवर के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी फिटेड जैसे प्लांट से गाड़ी आती है वही इसके अंदर सीट कवर जो बारकोड है वो लगा हुआ है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अंदर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कौन सा मॉडल है, कब बनी गाड़ी और कैसा सब कुछ है, वो सब इसके अंदर विजिबल होता है। स्टीयरिंग व्हील अगर आपकी एडजस्टमेंट है जैसे इसके अंदर है अप एंड डाउन, तो आपको एक बार चेक कर लेनी है कि अप एंड डाउन प्रॉपरली हो रहा है, जो इसके कंट्रोल्स हैं वो इसके अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, क्या इंडिकेटर देने पे राइट का इंडिकेटर चल रहा है, लेफ्ट का चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। हज़ार्ड का बटन भी एक बार जैसे मैंने आपको दिखाया तो अंदर से भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। केबिन में जो लाइट है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही है, रेन वाइजर में तो इसके अंदर कोई सन वाइजर नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट से चेक करनी होती है। सेम एज इट इज़ एक बार इंटीरियर में, पीछे बैक सीट में चेक करना है, और बूट स्पेस, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर से चेक करनी होती है जब हम PDI कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी की। साथ ही साथ जैसे मेरी गाड़ी में 2 पावर विंडो भी हैं तो मैं इनको भी प्रॉपर चेक करूँगा, क्या जो ऑटो डाउन का फीचर दे रखा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कार के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर से चेक करनी है। सेम एज इट इज़ अगर हम दूसरी साइड डोर की बात करें तो क्या वो प्रॉपरली वर्क हो रही है पावर विंडो, कोई उसके अंदर मैन फंक्शनिंग तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट एक बार थॉरली चेक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो गाड़ी है या बाइक है वो आप हार्ड एंड मनी से ले रहे हो तो बार बार नहीं ली जाती और कुछ उसके अंदर मैन फंक्शनिंग आ जाती है तो फिर बाद में सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा आपको, जहाँ से आपने गाड़ी ली है वहाँ इतनी सुनवाई नहीं होती, वो सिर्फ बोलते सर अब तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा क्योंकि शोरूम में कोई सर्विस तो होती नहीं गाड़ी की जहाँ से आप लेते हो। तो इन चीज़ों का पहले अगर आप प्रायोरिटी में ध्यान रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप एक प्रॉपर अपने तसल्ली करके अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। इसी को PDI कहते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो सेम एज इट इज़ जैसे इसके अंदर पीछे पावर विंडो नहीं दे रखी तो क्या ये जो मैनुअल विंडो है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है, और साथ ही साथ पीछे कोई इसके अंदर विजिबल स्क्रैच तो नहीं है डोर पैड्स पे, जो सीट अपॉल्स्ट्री है वो बिल्कुल फाइन है, उस पर कोई जो स्टिचिंग है वो फट तो नहीं रही, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी गाड़ी बिल्कुल ओके कर ली है। जो लास्ट एक स्टेप बचता है वो एक मेजर स्टेप है, वो भी लोग भूल जाते हैं, तो बूट को ओपन करके नहीं देखते जो जैक अपनी जो भी आपको ट्राइंगल मिल रहा है, हज़ार्ड का जैक मिल रहा है, जो इसके अंदर टूल्स मिल रहे हैं, सेफ्टी जो फर्स्ट एड किट मिल रही है, क्या वो पूरी है, इसके अंदर सारा कुछ आपको मिल रहा है, तो डिलीवरी टाइम पे तो ज़रूर वो चेक करवाते हैं, बट आपको फिर भी जैसे इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या इस किट के अंदर है तो क्या वो पूरी है, तो वो ज़रूर से एक बार चेक कर लें आप। और साथ ही साथ एक बार स्टेपनी टायर भी ज़रूर से देखें, जो स्टेपनी टायर इसके अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे, उस पे भी प्रॉपर आपको मैंने जैसे बताया बाहर वाले टायर्स पे मार्किंग दे रखी है येलो की और रेड और ब्लू की, तो क्या वो प्रॉपर साइज़ में है, यूज्ड तो नहीं है पूरा, क्योंकि ये टायर्स में यूज़ नहीं होते, सीधा सीधा इस कार के अंदर लग जाते हैं स्टेपनी में, और प्रॉपर टाई होते हैं, अगर आप देखें तो ये प्रॉपर टाइट है, ये ऐसे लूज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यूज़ नहीं हुआ है और आपको प्रॉपर प्लांट का जो ओरिजिनल टायर है वही मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कुछ जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं PDI कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो ये थी PDI की वीडियो कि कैसे क्या आपको चेक करना चाहिए कार के अंदर, वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। सब कुछ एक बार थॉरली चेक करना चाहिए, बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड एंड मनी से हम अपनी कार ले रहे होते हैं या बाइक ले रहे होते हैं। तो इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी और भी चैनल पे, और साथ ही साथ आगे इसकी मॉडिफिकेशन सीरीज़ प्रॉपर चैनल पे अभी आएगी, तो उसके लिए भी इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।